एट जॉइंट ऑफ अ मेट्रिक्स टॉपिक आज का हमारा है एट जॉइंट निकालेंगे हम एक मेट्रिक्स का सो so, एक मेट्रिक्स जी है हमारे पास ए इज इक्वल्स टू वन थ्री फोर एंड सेवेन एंड वी हैव टू फाइंड एट जॉइंट ऑफ ए या फिर ए डी जे इन टू ए लिखा होता है एट जॉइंट हमारा निकलता है माइनर्स उसके बाद को फैक्टर्स निकालेंगे और ट्रांसपोज तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एंड ट्रांसपोज जब हम लास्ट में निकाल लेते हैं तो जो मैट्रिक्स आती है वो होती है एडजोइंट जॉइंट ए की तो इस हिसाब से हम फॉलो करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर्स तो जो भी एलिमेंट हम देख रहे हैं उसका ऑपोजिट वाला जो है उसका माइनर होता है टू बाई टू में और थ्री थ्री में उस रो और कॉलम को हाइड करने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो रिज़ल्ट आता है उसे हम बोलते हैं माइनर तो माइनर ऑफ ए वन वन ए वन टू ए वन ए टू वन एंड ए टू टू इसकी पोजीशन के एलिमेंट्स हम लिखेंगे वन वन की पोजीशन पे है वन तो उसके ऑपोजिट वाला एलिमेंट आ गया सेवन थ्री के ऑपोजिट वाला आ गया है फोर फोर के ऑपोजिट इज़ थ्री एंड सेवन के ऑपोजिट इज़ वन एक्चुअली हमने रो एंड कॉलम को हाइट करके देखे न्यू मैट्रिक्स है सेवन फोर थ्री एंड वन टू बाई टू मैट्रिक्स माइनर निकल चुका हम निकालेंगे को फैक्टर्स को फैक्टर्स हम डायरेक्ट माइनस साइन चेंज कर देंगे अगर टू बाई टू मैट्रिक्स है तो इन दो पोजीशन की साइन चेंज हो जाती है या वो माइनस हो जाती है और थ्री बाई थ्री में इस टाइप के पोजीशन के एलिमेंट्स की साइन चेंज हो जाती है जो सेंटर वाले होते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो दोनों मैट्रिक्स का मैंने माइनर्स एंड कोको फैक्टर्स का शॉर्टकट ट्रिक बताई यहाँ तो यहाँ पे फोर एंड थ्री की साइन चेंज हो जाएगी जो कि माइनस हो जाएगी और अगर वो पहले से माइनस होता तो प्लस हो जाती तो सेवन माइनस फोर हो गया एंड थ्री हो गया माइनस थ्री टू बाई टू मैट्रिक्स इसके बाद हम निकालेंगे दूसरा भी प्रोसेस मैं बताया थी आपको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे हम हर एक डिजिट को जो भी माइनर की मैट्रिक्स आई को फैक्टर्स निकालने के लिए थ्री एंड माइनस वन इंटू वन इसके पावर में जो भी उसकी पोजीशन है उसको ऐड करते हैं हम जैसे ये पोजीशन है वन वन की तो माइनस वन की पावर में हो जाएगा वन प्लस वन फोर की पोजीशन है वन प्लस टू जो कि है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और लास्ट है सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर इसका ऐड करने पे ऑड नंबर आता है तो साइन चेंज होगी और अगर इवन नंबर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगी तो इस जगह पर वन प्लस वन जो एक इवन नंबर है तो इस सेवन नंबर की साइन चेंज नहीं हो सकेगी ये जो माइनर्स की मैट्रिक्स हैं हम इस पर निकालते हैं कोफैक्टर्स ये और में है दोनों प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं वन प्लस वन है ऑड इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा साइन में ये वन प्लस टू एक ऑड नंबर आ रहा है थ्री तो साइन चेंज हो गई टू प्लस वन में भी साइन चेंज हो जाएगी और टू प्लस टू की साइन चेंज नहीं होगी तो ये इसी टाइप से बन गई आपकी मैट्रिक्स आप चाहे तो ऊपर वाले प्रोसेस से डायरेक्टली साइन चेंज कर सकते हैं माइनर्स निकल गए हमारे को फैक्टर्स निकल गए लास्ट मिल बचता है हमारा ट्रांसपोज ट्रांसपोज में हम रो जो भी है उसको कॉलम के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो को फैक्टर्स की जो भी मैट्रिक्स थी उसके हम रो को कॉलम से कन्वर्ट कर देंगे ए टी भी लिख सकते हैं हम ट्रांसपोज को तो सेवन माइनस थ्री जो कॉलम में था उसको रो कर दिया हमने या वाइस वर्सा और नीचे आ जाता है आपका माइनस फोर एंड वन आप ऐसे भी रीड कर सकते हो सेवन माइनस फोर जो फर्स्ट रो है हमने उसको फर्स्ट कॉलम कर दिए और सेकेंड जो रो है माइनस थ्री वन उसको माइनस थ्री एंड वन कॉलम कर दिए हमने तो ये जो आपका रिजल्टेंट है ये है आपका एडजोइंट जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है माइनर कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज निकालने के बाद लास्ट मैट्रिक्स इज योर एट जॉइंट ऑफ ए थैंक यू